हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंस्पायर कंटेंट। में आज हम फिर जो हमने सीरीज चालू की थी एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 8.1, उसमें जो क्वेश्चन शेष रह गए थे उसको हम सॉल्व करेंगे। आज हम क्वेश्चन नंबर छः को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर छः जो है, इसमें एक वृत्त दे रखा है और हो सकता है लाइट की वजह से यहाँ तुमको ब्लैंक दिख रहा हो, तो ये आप बुक में देखेंगे। जो वृत्त है, वृत्त के जो समीकरण दे रखा है वो दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, और रेखा दे रखी है, यानी कि एक वृत्त दे रखा है और रेखा दे रखी है, और एक्स अक्ष पर जो भी क्षेत्र बनना है उस क्षेत्र का हमको क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, और कब? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि पहली लाइन लिखी फर्स्ट क्वाड्रेंट में। एक वृत्त और रेखा तथा एक्स अक्ष के बीच जितना भी क्षेत्रफल बनेगा उस हमको क्षेत्रफल का मान निकालना होगा। तो आइए क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास जो वृत्त का समीकरण दे रखा है वो दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू 4, और हम जानते हैं जो वृत्त का समीकरण होता है, यानी कि जो वृत्त का समीकरण होता है वो होता है, जो वृत्त का समीकरण होता है वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर। यहाँ पे जो केंद्र होता है यहाँ पे वो होता है 0,0, और जो त्रिज्या होगी वो कितनी हो जाएगी ए। तो आप यहाँ से इसको कंपेयर करोगे या तुलना करोगे तो आप 4 को लिखोगे 2 का स्क्वायर, तो ये जो समीकरण हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 4 का 2 का स्क्वायर, और यहाँ से तुमको त्रिज्या मिल जाएगी, इसकी त्रिज्या हो जाएगी 2। तुलना करें यहाँ से, तो आइए इसको ग्राफ को बनाते हैं कि तो आपको एक ऐसा वृत्त बनाना है जिसकी त्रिज्या 2 होगी। अब वो कर लेंगे एक्स अक्ष वाई अक्ष, वो कर लेंगे आप, ये इसका केंद्र हो गया 0,0, तो केंद्र तुमको ये रखना 0,0, और यह मान लो त्रिज्या 2 हो गई, तो ये हो जाएगा 2,0, ये हो जाएगा 0,2, और ये हो जाएगा 0,-2, और ये वाला हो जाएगा -2,0। तो इन चारों पॉइंटों से जो भी वृत्त खींचेगा उसको हम बोलेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 का समीकरण है ये। तो ये वृत्त का समीकरण है, इसको हमने मान लिया ओ पॉइंट, ये हो गया ए, ये बी, ये सी और ये डी, तो ये वृत्त का बन गया। अब हम खींचेंगे रेखा जो वाई बराबर एक्स बराबर √3y जो दे रखी है। तो आपने 10th में पढ़ा होगा सरल रेखा की क्वेश्चन, जो सरल रेखा के स्टैंडर्ड क्वेश्चन होती है, यानी कि जो मानक समीकरण होता है सरल रेखा का, आपने पढ़ा होगा 10th में। आप यहाँ देख लें, जो सरल रेखा का समीकरण होता है, जो सरल रेखा का समीकरण होता है वो होता है वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और यहाँ पे m क्या होती है? प्रवणता। तो आप पहले यहाँ से y का मान निकालो, तो ये √3 भाग में हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/√3x। अब तुलना करो, तो ये x का गुणांक यहाँ पे 1/√3, यहाँ पे x गुणांक m है, तो यानी कि जो m हो जाएगा वो कितनी आ जाएगी 1/√3, और ये जो m होती थी ये प्रवणता यानी कि स्लोप पे जाती है। आप स्लोप निकालेंगे तो हो जाएगा tan थीटा से, जो m होता है ये tan थीटा के इक्वल होता है, तो m का मान हो गया tan थीटा, और थीटा यहाँ रखोगे आप तो हो जाएगा tan, और ये देखो कि 10 की टेबल में 1/3 किसकी वैल्यू होती है, तो आपने किया होगा ये होती है 30 की, 10 कट गया, थीटा कितना आ गया 30, तो यानी कि ये ऐसी रेखा है ये आ रही है कि जो 30 अंश पे झुकी हुई है, यानी कि केंद्र से ये 30 अंश पर झुकी हुई है। तो इसको खींचते हैं, आप जानते होंगे ये 90 हो जाएगा, तो 30 अंश पे झुका इसको, तो हमने मान लिया कि ये ऐसी रेखा है ये जो ये 30 अंश पे झुकी, यानी कि इसका जो कोण है वो कितना है 30 अंश। तो इस रेखाओं को हम क्या बोलेंगे, ये, यानी कि आप ये लिखो या ये लिखो, तो y बराबर हो जाएगा 1/√3x। ठीक है, तो देखो हमने एक वृत्त खींच लिया, रेखा खींच ली, अब x अक्ष पर, तो x अक्ष ये हो गया, इसका हमको निकालना है क्षेत्रफल, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में
यहाँ भी होगा लेकिन हो जाएगा ये थर्ड क्वाड्रेंट में, तो इसका हमको क्षेत्रफल निकालना है, इसका ही निकालना है। तो आइए इसको करते हैं। तो इस क्षेत्र का जब भी हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो ध्यान दे रो कि कैसे निकालोगे आप, इसको हम जूम करके यहाँ दिखाते हैं। इस तरीके से, तो पहले आप ये पॉइंट निकालो इंटर, जो इसके प्रतिच्छेद बिंदु हैं, तो पहले इसके पॉइंट निकालो। तो मान लिया हमने x इजिकल टू c आ गया, अभी निकालेंगे तो मान लिया x इजिकल टू c आ गया, तो ये हो जाएगा यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये x की x अच्छी की जीरो हो गया, ये हो गया x इजिकल टू जीरो, और यहाँ पे हो गया मान लिया x इजिकल टू c। तो आप जीरो से c तक इस रेखा का इंटीग्रल करेंगे, यानी इस रेखा का समाकलन करेंगे, और प्लस ये भी तो क्षेत्रफल है। आप C से लेके यहाँ तक, यहाँ कितना है 2, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है ये 2, तो C से लेके 2 तक ये वाला कर्व आ रहा है, और ये क्या है वृत्त, तो आप वृत्त का समाकलन करेंगे, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जब इंटीग्रल करेंगे तो सरल रेखा का करेंगे, और C से लेके 2 तक, यानी कि C का मान निकालेंगे, तो C से लेके 2 तक ये वाला आ रहा वृत्त, ये वाला वृत्त, तो इसका हम निकालेंगे, यानी कि इसको इंटीग्रल करेंगे कब, c से 2 पर इसका करेंगे, और 0 से c तक इस रेखा करेंगे, फिर दोनों को जोड़ेंगे तब क्षेत्रफल आएगा। तो आइए करते हैं क्वेश्चन को। पहले आप क्या करेंगे, पहले आप इस पॉइंट पे, इसको मान लिया हमने ए बी सी डी हो गया, इसको मान लिया ई, तो पहले आप ई का पॉइंट निकालो, यानी कि प्रतिच्छेद बिंदु, तो इन दोनों को सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और x बराबर दे रखा है √3y, क्वेश्चन नंबर हो गया सेकंड, तो आप x की वैल्यू इसमें रखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, तो √3 यहाँ रखो √3y, तो √3 का y का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो √3 का स्क्वायर 3, वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, 3y स्क्वायर 1y स्क्वायर हो गया 4y स्क्वायर इजगल टू 4, 4 से 4 कट गया, वाई स्क्वायर इजगल टू 1, तो वाई इजगल टू आ जाएगा प्लस माइनस में 1, यानी कि अंडर रूट की वैल्यू आएगी वो प्लस माइनस में 1 ही आएगी, तो हम प्लस में रखेंगे 1, क्योंकि माइनस में रखेंगे तो यहाँ का आ जाएगा ये वाला इंटरसेप्ट, ये यहाँ भी तो कट रहा है, तो आप इसके आ जाएंगे तो प्लस वाला लो, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो हमने वाई की इजगल टू 1 ले ली, वाई की वैल्यू यहाँ रखो तो हो जाएगा x बराबर √3, और y की वैल्यू 1, x की वैल्यू कितनी आ गई √3, तो इसका पॉइंट आ गया √3 का मान 1, यानी कि ये जो पॉइंट है, यानी कि ये वाला, यानी कि यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई √3, और यहाँ पे कितनी है x की वैल्यू इस पॉइंट पर, b पॉइंट पर, ये 2 है क्योंकि त्रिज्या 2 हो गई, और यहाँ भी d, इसको मान लिया f, तो एफ पॉइंट पे एक्स वैल्यू है √3, और यहाँ पे है ये वाला √3 का मान 1। तो आप करेंगे ऐसे, पहले हमने कहा था यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रल करेंगे इस रेखा को, इतने का आएगा और फिर इतने का आ जाएगा, इतने भाग का, तो वो वृत्त आएगा, तो वृत्त का समाकलन करेंगे कब, √3 से 2 पर। तो आइए क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे ओ ओ ई बी, ओ ई बी एफ ओ का क्षेत्रफल बराबर, इतने का निकालो पहले आप, ओ ई एफ ओ, ओ ई एफ ओ का क्षेत्रफल प्लस एफ ई बी एफ, एफ ई बी एफ का क्षेत्रफल, तो इसका यहां से यहां तक निकालेंगे जीरो से √2 पर, और ये रेखा है, रेखा का वाई का मान निकालो, ये तो जाएगा 1/√3x और dx प्लस, फिर √3 से 2 पर, √3 से 2 पर, और यहां से ये वृत्त है, तो वृत्त से आप y का मान निकालोगे, यहां से y का मान निकालो आप, तो ये √x स्क्वायर उधर चला गया,
हो जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और एक ये वाई स्क्वायर लिखा था इधर आएगा तो अंडर रूट में आ जाएगा। अब इसका वो करते हैं इंटीग्रल, तो ये 1/√3 को बाहर कर लेंगे, एक्स बचा प्लस इसमें लगेगा फॉर्मूला जो हम शुरुआत से पढ़ रहे हैं, हम वो नोट नहीं करेंगे, आप डायरेक्ट फॉर्मूला करेंगे, आप वो वीडियो देख सकते हैं। इसका लगाएंगे तो होता है फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला होता है एक्स बाई टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी 4, 2 का स्क्वायर 4 ही आएगा, प्लस ए स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, तो आएगा 4/2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए, एक्स ये है ए कितना है ए 2, और इसकी लिमिट हो जाएगी √3 से 2। इस ग्राफ का कोई काम नहीं है, मिटा दे रहे हैं, आप नोट करना हो तो वीडियो पास करके नोट कर सकते हैं। वन अपॉन रूट थ्री एक्स का हो गया इंटीग्रल, एक्स स्क्वायर बाई टू, और लिमिट हो जाएगी 0 से 0 से √3, और प्लस यहाँ आप लिमिट रखो एक बार अपर लिमिट, तो यहाँ रखेंगे 2, एक बार ये रखेंगे सब में, तो जैसे ही आप यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो 4 - 4 जीरो, जीरो गुणा गुणा इसमें करेंगे पूरा 0 हो जाएगा, यानी कि 0 प्लस ये कट जाएगा तो आ जाएगा 2, यहाँ रखेंगे आप 4 तो ये 2 रखेंगे तो 2 2 कट जाएगा तो हो जाएगा साइन इनवर्स 1, फिर एक बार लोअर लिमिट हो जाएगा √3/2, यहाँ रखेंगे √3 का स्क्वायर 3, तो 4 से 3 गया तो √1 की वैल्यू 1, प्लस ये कट जाएगा तो आ जाएगा 2, और यहाँ रखेंगे √3/2, ये 2 बाहर कर लिया तो 1/√3 बाहर हो गया, एक्स स्क्वायर बचा, एक्स स्क्वायर में एक बार रखेंगे √3 का स्क्वायर, एक रखेंगे 0 का स्क्वायर, 0 लिखा है ये 2 इसे रहेगा, साइन की टेबल में 1 किसकी वैल्यू है 90 की, तो हो जाएगा 90 यानी कि 90 यानी π/2, तो यहाँ से आ जाएगा π/2, ये हो जाएगा √3/2 प्लस 2, और ये होती है साइन की टेबल में किसकी वैल्यू √3/2 साइन 60 की, और साइन 60 में पाई में छोड़ो हो जाएगा साइन π/3 हो जाएगा π/3। यहाँ देखो ये 1/√3 सेम बना रहेगा, ये इसका स्क्वायर हट जाएगा तो आ जाएगा केवल 3, और 0 से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो यहाँ 3 बचा प्लस ये 2 से 2 कट गया केवल पाई बचा, ये हो जाएगा √3/2, माइनस के अंदर गुणा भी होगा इसमें तो हो जाएगा माइनस का 2 × या ऐसे कर लो ये हो जाएगा 2π/3, 2π/3 इसमें गुणा कराओ तो हो जाएगा 3/√3, इनको एक साथ कर लेते हैं, पाई पाई एक तरफ कर लेंगे और संख्या संख्या एक तरफ, तो ये 3 गुणा हो गया ये आ गया, और माइनस का √3/2, और प्लस पाई माइनस हो जाएगा 2π/3। इसमें हम इसको इधर देखो ये तरफ में ये जो लिखा है ये लिखा है 3/√3, यहाँ हम √3 का ऊपर जो गुणा कर सकते हैं तो जाएगा 3/√3, और ये √3 √3 के अंदर 3, और यहाँ आ जाएगा 2, ये कट जाएगा तो आ जाएगा 2√3, तो यानी ये जो लिखा है वो ये लिखा है √3/2, देखो यहाँ से, तो इसका जो आंसर आएगा वो हो जाएगा √3/2 माइनस √3/2, और प्लस का गुणा करो उसमें हो जाएगा 3π, और 3π से 2π गया तो आ जाएगा π/3, ये कट जाएगा तो इसका जो फाइनल उत्तर होगा π/3 वर्ग इकाई। थोड़ा सा हो सकता है क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा हो गया हो, समझाने में टाइम चला गया, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझाने में सफल रहेंगे, आगे जो क्वेश्चन आएगा वो नई सीरीज में ऐड करेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।